दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि सर ऑन हैंड सैलरी क्या होगी नवोदय विद्यालय में। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आपकी ऑन हैंड सैलरी क्या होगी। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला और मेथड बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आप भी अपने घर पे ऑन हैंड सैलरी कितनी होगी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पे क्या होता है, इट इज द मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेड विदाउट एनी बेनिफिट। वो एक बेसिक अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट होता है जो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे किया जाता है, दैट इज विदाउट एनी बेनिफिट। इट मींस उसमें कोई अलाउंस ऐड नहीं होता, उसमें ना डीए ऐड होता है, डीएनएस अलाउंस, ना ट्रेवलिंग अलाउंस, कुछ ऐड नहीं होता है। तो वो मिनिमम अमाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक पे। तो ये बेसिक पे हो गया। अब बेसिक पे में डीए ऐड होता है, डीए मींस डीएनएस अलाउंस। तो अभी डीएनएस अलाउंस किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलता है दैट इज 31%। इसके बाद क्या ऐड होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस। जो अभी जो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा जो 1800, और ट्रेवलिंग अलाउंस जैसे कि बॉम्बे, बेंगलोर, यहां ज्यादा मिलता है, सिटी के अनुसार ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ट्रेवलिंग अलाउंस 1800। अब थर्ड आपका डीए ऑन टीए, डीएनएस अलाउंस किस पे मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस पे, वो कितना रहता है 31%। अब इसमें डिडक्शन क्या होगा, डिडक्शन होगा एनपीएस। तो एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस आपकी सैलरी में से कितना डिडक्शन होगा, दैट इज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। किसका 10% होगा, बेसिक और डीए को जो मिलाकर अमाउंट आएगा उसका 10% डिडक्ट होगा आपके ग्रॉस अमाउंट से फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। और नवोदय विद्यालय समिति उसमें 14% अपने तरफ से देगी। तो ये बात हो गई कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अब हम सबसे पहले बताएंगे कि कैटरिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, इन तीनों की ऑन हैंड सैलरी, इनका बेसिक पे 25,500 है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 31% डीए, 31% किसका, बेसिक पे का। तो वो कितना अमाउंट आएगा, दैट इज 7,905। अब क्या ऐड होगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, दैट इज 1800। और क्या ऐड होगा, डीए ऑन टीए 31%, दैट विल कम 558। एक और बात, आपको एचआरए नहीं मिलता है, क्यों, एचआरए मींस होम रेंट अलाउंस। आपको एचआरए इसलिए नहीं मिलता है कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि नवोदय विद्यालय इज ए रेसिडेंशियल सेटअप, वहां आपको एकोमोडेशन दिया जाता है। एकोमोडेशन चाहे आप केटरिंग असिस्टेंट हो, स्टाफ नर्स हो, क्लर्क हो, या एमटीएस हो, या मेस हेल्पर हो, सभी को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। उनके टाइप होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा एकोमोडेशन किसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अमाउंट हुआ आपका 35,763। इस ग्रॉस अमाउंट से क्या डिडक्ट होगा, एनपीएस। एनपीएस क्या होता है, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो कितना डिडक्ट होगा, 3,340 ग्रॉस अमाउंट में से डिडक्ट होगा। तो जब 35,763 से हमने डिडक्ट किया 3,340, तो आपकी ऑन हैंड सैलरी आ गई, दैट इज अराउंड 32,423। तो कैटरिंग असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की और स्टेनोग्राफर की ऑन हैंड सैलरी कितनी आएगी, 32,423। ये ऑन हैंड सैलरी है। और आपको एचआरए नहीं मिलता है, मैंने क्लियर कर दिया, होम रेंट अलाउंस, क्योंकि आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और जूनियर सेक्रेटेरिएट,
इनका पे स्केल है 19,900। अब इसमें हमने डीए ऐड किया, दैट इज 6,169, जो बेसिक पे बेसिक का 31% है। इसमें हमने ट्रेवलिंग अलाउंस 1800 ऐड किया। अब हमने इसमें डीए ऑन ट्रेवलिंग अलाउंस 558, तो टोटल आया 28,427 विदाउट डिडक्शन। अब हम इसमें एनपीएस में जो अमाउंट जाएगा वो डिडक्ट करेंगे, दैट इज 2,606, तो आपकी ऑन हैंड सैलरी 25,821 रहेगी। ये सैलरी किसकी होगी? ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और जूनियर सेक्रेटेरिएट की रहेगी। अब हम बात करते हैं मेस हेल्पर। मेस हेल्पर का बेसिक पे है 18,000। अब इसमें हमने डीए 31% ऐड किया, दैट इज 5,518। और क्या ऐड करेंगे? ट्रेवलिंग अलाउंस, दैट इज 1800। और क्या ऐड करेंगे? डीए ऑन टीए, दैट इज 558। तो इनका टोटल आता है 25,938 अमाउंट। इसमें डिडक्ट क्या होगा? जो अमाउंट एनपीएस में जाता है, दैट इज 2,358। तो ऑन हैंड सैलरी मेस हेल्पर की क्या आएगी? 23,580। और अगर आप वेरी हार्ड हार्ड एरिया में आप पोस्टेड हैं, तो वहां अलाउंस मिलता है, कहीं पे 10%, कहीं पे वेरी हार्ड में 20%। जैसे मेरी पोस्टिंग कार्निकोबार आइलैंड में थी, तो वहां का वेरी हार्ड अलाउंस 10% मिलता था और आइलैंडर अलाउंस 10% मिलता था। तो 20% ऑफ बेसिक पे मुझे और ज्यादा अमाउंट मिलता था, तो सैलरी और बढ़ जाती थी। तो ये रहा आपकी आपका ऑन हैंड सैलरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।